नया साल है और नई उम्मीदों के साथ कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है। दो भारतीय वैक्सीनों को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद सियासत भी गर्म हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने सवाल उठाया है। इस वक्त मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष राजस्थान के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया मौजूद है, खास बातचीत करते हैं। गुलाब जी, वैक्सीन आ गई है, भारत सरकार भारत एक तीसरा देश बन गया है जहाँ पर वैक्सीन आ गई है और कई और देशों ने भी भारत से वैक्सीन मांगी है। ऐसे में वही विपक्ष अब इस पर सियासत कर रहा है, शशि थरूर ने भी सवाल उठाए हैं और कांग्रेसी नेता और भी कई कांग्रेसी नेताओं ने सवाल उठाया। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री खुशी जाहिर करते हैं ट्विटर के अपेक्षा। उनके बेटे कहते हैं कि मैं देखूंगा, ट्रायल करूंगा, उसके बाद मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। सबसे पहले राजस्थान के लिहाज से आपका सवाल है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे ने इस तरह की बात कही है और राजस्थान के मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं? मैं सोचता हूँ ये दुर्भाग्य देश के लिए। इस देश के वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से प्रयत्न करके दुनिया में, भारत में भी वैक्सीन तैयार हो गया और उसी समय कर दिया जब दुनिया के बाकी देशों ने किया, इस अच्छाई के लिए उनका आभार और धन्यवाद देना तो कहीं गया। और उसकी और देश के प्रधानमंत्री ने जाकर के जहां वैक्सीन तैयार हो रही थी वहां जाकर मॉनिटरिंग किया, समय समय पर उन सब वैज्ञानिकों का हौसला बुलंद किया और उसके कारण से आज भारत में दो वैक्सीन लोगों को देने के लिए एक तरह से स्वीकृति जाहिर। पर दुर्भाग्य है कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक चश्मा उतारते नहीं हैं, सच्चाई को देखने की आदत नहीं है। लड़का कुछ बोलता है और पिताजी मुख्यमंत्री के नाते उसका स्वागत करते हैं, ये दुर्भाग्य है। वो कहते हैं मैं वैक्सीन लगाऊंगा। मैं सोचता हूं कि आप और हमारी सबकी इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन तैयार होकर आए, जिसके कारण से इस महामारी के समय में लोगों के जीवन को बचाया जा सके, इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। और मैं सोचता हूँ हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो वैक्सीन के बारे में कोई भी न्यूज़ बनी हो और उसने नहीं पढ़ी हो। तो जो ऐसा महत्वपूर्ण काम हुआ उसको भी अगर राजनीतिक चश्मे से देख करके कांग्रेस पार्टी उसको जिस प्रकार से कह रही है, मुझे लगता है कि उनका देश के प्रति सोच ठीक नहीं है। किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा बनाई हुई वैक्सीन नहीं है, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई हुई वैक्सीन है। और जिस वैक्सीन को दुनिया मान्यता दे रहा है उसको हमारे छोटे मोटे जिन वैक्सीन के शब्द को ही नहीं समझते होंगे, वैक्सीन बनती कैसी है ये भी नहीं जानते होंगे, वो उस पर कमेंट कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। सर, उनके विधायक हैं प्रशांत बेरवानी के, वो साफ कह रहे हैं कि बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, कोरोना खत्म हो चुका है। मैं सोचता हूँ भगवान करे उनको कोरोना हो जाए, ताकि उनको वैक्सीन का महत्व समझ में आ जाए कि क्या उपयोग होता है और क्या नहीं होता है। भगवान न करे यार उनको और उनके परिवार को इस कोरोना की संकट में आ जाएं और फिर ये शब्द बोलें तो बहुत अच्छा लगेगा। सर, सवाल ये है कि एक मंच पे एक ही परिवार के सदस्य, मतलब मुख्यमंत्री जी अलग बात करें, उनके पुत्र अलग बात कर रहे हैं और उनके नेता अलग बात करें, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी एकता नहीं है? तो क्या है कि मुख्यमंत्री ने अगर किसी बात की तारीफ की है तो इतने वर्षों के जिसको कांग्रेस का अनुभव है, सरकार का अनुभव है, तीन बार मुख्यमंत्री बनने का अनुभव है, उनके शब्दों को उनका ही बेटा अगर नकारता है तो इससे ज़्यादा राजनीति की घटियापन की कोई सीमा नहीं हो सकती है जो उनके लड़के ने की है। तो क्या अब गुलाबचंद कटारिया वैक्सीन लगवाएंगे? निश्चित रूप से क्यों नहीं लगाएंगे वैक्सीन, ये जब भी हमारा मौका आएगा निश्चित लगाएंगे। जिस क्रम से वो लगा रहे हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो पहले भी लगाएंगे, उसमें क्या दिक्कत। क्या आपको लगता है स्वदेशी जो वैक्सीन आई है इससे आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम आगे बढ़ाए? निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने दो वैक्सीन ऐसी बनाई है जिसको दुनिया मान रही है और दुनिया जिसकी आवश्यकता को महसूस करके मंगा रही है। वो दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ कुछ छोटे मोटे जो वैक्सीन को समझते भी नहीं होंगे वो इसकी आलोचना कर रहे हैं। गुलाब जी, अंतिम सवाल है, पॉलिटिकल सवाल मेरा ये है आपसे कि लगातार ये आप कह रहे थे कि कुछ वापस से कुछ होने वाला है, कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा क्या आप कह रहे थे? बार बार ऐसी बात क्यों करते हैं आप कि एकता नहीं है, पार्टी इनकी फिर टूट जाएगी, फिर स्थिति ये हो जाएगी, इस बार ज़्यादा विधायक जाएंगे, आप कई बार बयान दे चुके हैं। देखो यार, मेरा भी 40 साल के राजनीति का अनुभव है, मैंने ये सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और मैं इस पार्टी का जब से मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री बना, ये 36 का आंकड़ा लगातार 36 का ही बना रहा। अगर इसको 36 को 63 में बदल देते तो हम लोगों को कोई शंका करने का सवाल ही नहीं। और जिस ढंग से लड़ रहे हैं और जो अभी तक पार्टी संगठन 6 महीने में नहीं बना पा रहे हैं, मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को बोर्ड का चेयरमैन नहीं बना पा रहे हैं, सैकड़ों पोस्टें खाली है जहाँ इनका पार्टी का कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है,
उसका निर्णय करना जिनके लिए असंभव है, इसका मतलब अंदर बिखराव इतना जबरदस्त है। जिस दिन करने जाएंगे मंत्रिमंडल करने, उसी दिन सरकार जाएगी, ये मेरा दावा है। तो गुलाब चंद कटारिया, जिन्होंने साफ तौर पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए, उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया है कि वैक्सीन को लेकर सियासत की जा रही है, घर में ही सियासत हो रही है, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ अलग बयान दे रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं, वहीं उनका बेटा अलग बयान दे रहा है, वैभव गहलोत जो कि आरसीए के अध्यक्ष हैं, वहीं उन्होंने कहा कि मेरा दावा है कि राजस्थान की सरकार अब ज़्यादा नहीं टिक पाएगी। ये हमारे से बातचीत कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठानंदानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।